हेलो फ्रेंड्स, आई एम इतिश्री एंड वेलकम यू टू माय चैनल सिंपली ऑसम लाइफ। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक रेनबो थीम बर्थडे डेकोरेशन। ये बर्थडे डेकोरेशन मैंने अपने 7 ईयर्स डॉटर के लिए किया है, जस्ट टू मेक हर डे मोर स्पेशल। एंड ये कंप्लीट DIY है ये बर्थडे डेकोरेशन जो भी मैंने किया है, एंड इट कॉस्टेड मी क्लोज टू 300। वीडियो के एंड में मैं आपको एंटायर प्राइस डिटेल्स भी बता दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और जिन लोग नए हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बनाएंगे रेनबो। रेनबो बनाने के लिए कार्डबोर्ड में प्रोटेक्टर के हेल्प से फर्स्ट हाफ सर्कल बना लिया है, एंड फिर 1.5 सेंटीमीटर मेज़र करके 7 हाफ सर्कल्स बना लिया है। फिर एक कटर के हेल्प से रेनबो जैसा कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने 4 रेनबो बनाए हैं एंड उसको एक्रिलिक कलर से कलर किया है। आप चाहे तो पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर एक ब्लैक कलर स्केच पेन से बॉर्डर कर लिया ताकि रेनबो जो है वो प्रोमिनेंट दिखे। ये है A4 साइज़ क्राफ्ट पेपर। इस पैकेट के अंदर बहुत सारे कलर्स के पेपर होते हैं। ये इसका कॉस्टिंग अराउंड 40 रुपीज़ है। अभी हम इसके हेल्प से कुछ क्राफ्ट करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ रेन ड्रॉप्स कट कर लिया है। ये थ्रेड है, इसका क्वालिटी थोड़ा सा मोटा रहेगा। आप चाहे तो आपके पास जो भी थ्रेड अवेलेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके हेल्प से मैं जो रेन ड्रॉप्स है वो स्टिक कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने 2 साइड रेन ड्रॉप्स जो है पेपर वो स्टिक किया है, एंड जो अनइवन पार्ट है उसको मैं एक सीजर के हेल्प से कट कर दूँगी एंड इसको इवनली बना दूँगी। ये देखिए, जो अनइवन पार्ट है इसको मैं कट कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने 7 कलर्स के ड्रॉप्स लगाए हैं, एंड जो थ्रेड है मैंने यहाँ पे 16 थ्रेड्स बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे सारे रेन ड्रॉप्स रेडी हो गए हैं, मैंने पूरा बना लिया है। यहाँ पे मैंने अम्ब्रेलास कट कर लिया है कार्डबोर्ड की हेल्प से। तो 16 अम्ब्रेलास मैंने कट किया, एंड इसके ऊपर भी मैंने कलर पेपर स्टिक कर लिया है। यहाँ पे मैं लेटर N बना रही हूँ टेबल के ऊपर सजाने के लिए मेरी बेटी के नाम से। एंड ये बेस के ऊपर मैंने 1.5 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर लगा दिया है फेविकॉल के हेल्प से। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है N का, उसके ऊपर मैं होल्स बना रही हूँ। आप चाहे तो सीजर या डिवाइडर के हेल्प से होल बना सकते हैं। फिर मैंने बैक साइड से जो कॉपर स्ट्रिंग लाइट होते हैं बैटरी ऑपरेटेड, उसको एक एक करके उसके जो बल्ब से वो ऊपर के साइड रख दिया है, एंड पीछे के साइड में ऐसे मैंने सेलो टेप से उसके जो स्ट्रिंग्स है उसको स्टिक कर दिया है। अभी जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम फेविकॉल की हेल्प से लगा देंगे। एंड अभी देखिए, बैटरी लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। वाओ, अभी इसको आप जब टेबल के ऊपर सजाएंगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। मैंने कुछ क्राफ्ट पेपर लिया है एंड उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया है, एंड जो नीचे का पोर्शन है उसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब देखिए, इसमें हम बैनर बनाएंगे, जो हैप्पी बर्थडे वाला बैनर है वो। और ये है हैप्पी बर्थडे स्टिकर, इट कॉस्टेड मी अराउंड 25 रुपीज़। ये सेल्फ स्टिक है, आपको गम नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा। एंड एक एक लेटर मैं एक एक पेपर के ऊपर लगा दूँगी।
ये है सिल्वर एंड गोल्डन कलर के सेलस्टिक रिबन्स। सिल्वर वाला मैं लेटर एन में यूज़ करूँगी एंड गोल्ड वाला मैं बैनर में यूज़ करूँगी। ये देखिए हमारा हैप्पी बर्थडे बैनर रेडी है। बस मुझे पीछे से फोल्ड करके एक रिबन लगा देना है ताकि हम इसको जहाँ पे जो टेबल है उसके नीचे हम लगा पाएँ। ये है एक केक बेस। इसके हेल्प से मैं सन बनाऊंगी एंड उसके लिए मैंने येलो कलर एंड ऑरेंज कलर के चार्ट पेपर लिया है। तो ये देखिए हमारा सन बन के रेडी है। ये है क्लाउड्स। क्लाउड्स के लिए मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड में कट कर लिया एंड इसके ऊपर वाइट कलर के चार्ट पेपर लगाए हैं एंड ऊपर से जस्ट एक ब्लू कलर स्केच पेन से मैंने एक बॉर्डर बनाया है एंड यहाँ पे मैंने 8 क्लाउड्स बनाए हैं। अभी असेंबल करने के लिए हमें ये बड़ा वाला स्टेपलर चाहिए, कुछ बॉल पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स। ये एक लाइनिंग क्लॉथ है, इसको हम एज अ बैकड्रॉप एंड टेबल क्लॉथ यूज़ करेंगे। इसका मीटर मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ एंड मैंने 10 मीटर ख़रीदा है। मैंने ये कलर का ख़रीदा है बिकॉज जो थीम है वो रेनबो थीम है, तो ये कलर का बैकड्रॉप बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने कर्टन्स लगा दिया है एंड जो बीच वाला जो गैप है उसको भी हमने स्टिक कर दिया है एंड नीचे साइड में आप देखिए हमने ऐसा कार्डबोर्ड देके स्टिक कर लिया ताकि जो कर्टन है जो बैकड्रॉप वो स्टिफ रहे एंड अगर हम फैन ऑन कर रहे हैं ताकि ये उड़े ना, ये स्टिफ ही रहे। तो कार्डबोर्ड ऐसे कट करके हमने स्टेपल के हेल्प से ऐसे स्टिक कर दिया है इसको ताकि वो स्टिफ रहे। मेरे पास कुछ LED डेकोरेटिव लाइट्स थे, वो भी हमने कर्टन के पीछे लगा दिया है, पर वो ऑप्शनल है। आप वो नहीं भी लगाएंगे तो भी बैकड्रॉप बहुत ही सुंदर दिखेगा। हमने जो रेनबोज और क्लाउड सन बनाया है उस सब के बैक साइड में हम रिबन के हेल्प से ऐसे लूप बना के उसके ऊपर से एक पेपर में फेविकॉल लगा के स्टिक कर देंगे एंड ये सब कुछ हम रात में ही कर लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए एंड ताकि हम सुबह एक सेफ्टी पिन की हेल्प से कर्टन में हम इसको लगा पाएँ। एंड जो रेन ड्रॉप का स्ट्रिंग है उसके लास्ट में हम एक एक अम्ब्रेला स्टिक कर देंगे। अभी हम एक एक करके अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो लूप है उसमें सेफ्टी पिन लगा के हम कर्टन में लगा देंगे एंड फिर जो साइड से वो टिल ना हो उसके लिए उसको साइड में स्टेपल करेंगे एंड सबसे लास्ट में हम बॉल पिन की हेल्प से उसको स्टिक कर देंगे ताकि जो रेन ड्रॉप्स का स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट रहे। एंड देखिए यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड का सेटअप है वो अरेंज हो चुका है। एंड ये जो कर्टन है इसको बीच में भी हमने जॉइंट कर लिया है। अभी मैं टेबल अरेंज करूँगी। टेबल अरेंज करने के लिए मेरे पास एक वाइट कलर का क्लॉथ था, तो सबसे पहले मैं उसको टेबल के ऊपर डाल रही हूँ एंड फिर ये जो बैकड्रॉप का थोड़ा सा क्लॉथ बचा हुआ था उसके हेल्प से मैं ये नीचे का जो पोर्शन है टेबल जो खाली दिख रहा है उसको स्टिक कर दूंगी एंड उसके लिए मैंने ये बॉल पिन्स यूज़ किए हैं। ये बॉल पिन के हेल्प से हम ये जो नीचे का पोर्शन है टेबल का उसको हम लगा देंगे। मेरा ये जो बैनर है ये रेडी है। या ऐसे मैंने एक रिबन लगा दिया है, जो पूरे पेपर से उसको फोल्ड करके पीछे से मैंने रिबन लगा दिया है। अभी हम इसको ये टेबल के जो फ्रंट साइड है उसमें लगा रहे हैं और बच्चे के बर्थडे में बच्चों को प्लीज़ आप लोग इन्वॉल्व करिए क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ भी देते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं
यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जिसका बर्थडे है, हम दोनों मिलके ऐसा आइडियाज़ निकाले कि कैसे स्टिक करें, इधर स्ट्रेट करें या थोड़ा सा हाफ सर्कल में करें। सो फाइनली हमने डिसाइड किया नहीं, हम इसको स्ट्रेट ही लगाएंगे, और हमने बॉल पिन के हेल्प से उसको लगा दिया है बैनर को। सो अभी मेरे पास ये एक स्टैंड था आइकिया से है, ये 2 टायर का एक स्टैंड, इसके ऊपर मैं कुछ चॉकलेट्स एंड केक से सजाऊंगी, और ये वो लेटर एन है, इसके बॉर्डर में मैंने वो सिल्वर कलर का रिबन लगा दिया है, एंड इसके पीछे मैं ये डबल टेप लगा रही हूँ ताकि ये टेबल के ऊपर स्टिफ रहे। ये जो 2 टायर का स्टैंड है इसके ऊपर मैं कुछ चॉकलेट्स एंड कपकेक से सजा रही हूँ, एंड यहाँ पे ये गिल ट्रिप बोल के एक बेकरी शॉप है पंजीकुटा में, वहाँ से हमने कस्टमाइज ये रेनबो कपकेक्स बनाया था। सो इसको मैं अभी डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी, एंड ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी सजाएंगे तो भी चलेगा, ये जस्ट हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है, ताकि ये रेनबो थीम है इसीलिए थोड़ा सा रेनबो कपकेक है तो दिखने में अच्छा रहेगा, इसलिए हमने बनाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेलून्स, जिसके बिना बर्थडे डेकोरेशन इनकम्प्लीट है। सो मेरे पास थोड़े बेलून्स थे घर में, उसको ही मैंने ब्लो करके जस्ट नीचे हमने डाल दिया, हमने कहीं स्टिक नहीं किया है, और यहाँ पे आप देखिए मेरी बेटी इसको जस्ट सामने रख रही है, और ये है प्राइस लिस्ट, आप लोग देख लीजिए।